जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे टॉप 3 डिफेंस अपडेट्स के बारे में, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। जानते हैं तीसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच से। भारत ने जो अफगानिस्तान को MI-24 जो कि अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि रशिया के द्वारा बनाए गए हैं, उनको अफगानिस्तान को एज ए गिफ्ट दिया था, ताकि जो अफगानिस्तान की आर्मी और जो सेनाएं हैं वो एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन होते हैं उनमें इन अटैक हेलीकॉप्टर को काम में ला सके। लेकिन इनमें कुछ खराबी आ गई थी, तो ये वापस जो हेलीकॉप्टर भारत में आए थे और भारत के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इनको रिपेयर कर दिया, अब ये वापस अफगानिस्तान को दे दिए जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही, जो हमारी सीक्रेट एजेंसी यानी खुफिया एजेंसी जो होती है उनकी तरफ से उन्होंने दावा किया है कि जो आतंकवादी हैं 23 मई को कश्मीर में किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर रमजान का महीना चल रहा है और जो 23 मई को ना 17वां रमजान होगा, और 17वां जो रमजान होता है ये कुछ खास होता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, और आतंकवादी इस दिन काफी ज्यादा आतंकवादी हमले करते हैं। इसी कड़ी में जो हमारी इंडियन आर्मी ने कल एक एनकाउंटर किया था पुलवामा में, और इस एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके द्वारा, लेकिन इसमें जो हमारी इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए थे, तो जो 2 जवान शहीद हुए हम उनको बहुत ज्यादा सल्यूट और नमन करते हैं। जो आतंकवादी है वो सबसे ज्यादा निशाना बना सकते हैं भारतीय वायुसेना को, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ही जाके पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, इसी वजह से जो आतंकवादी हैं वो बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं भारतीय वायुसेना को। तो हम उम्मीद करते हैं, वैसे तो जो सुरक्षा अलर्ट है इसके बाद जो हमारी सेनाएं हैं उन्होंने चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई भी आतंकवादी घटना ऐसी ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। पहली डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी ने आज बराक 8 जो कि सरफेस टू एयर जो कि एयर डिफेंस मिसाइल है उसका एक टेस्ट किया था, और इस टेस्ट में यह जांचा गया था क्या जो इंडियन नेवी का एक सिप जो है एक से ज्यादा सिप्स को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, और एक ही सिप से इंडियन नेवी ने 2 सिप्स को कंट्रोल किया था, और इसके तहत एक ही सिप से जो दूसरे जो सिप होता है उसकी जो बराक 8 मिसाइल है उनको लॉन्च किया गया था, और जो बराक 8 मिसाइल है उन्होंने कई टारगेट को निस्त नाबूद किया था। तो ये काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट था जिसमें बराक 8 जो मिसाइल है वो खरी उतरी है, और इस मिसाइल टेस्ट में कई जो टारगेट थे उनकी ऊंचाई काफी अलग अलग थी, तो ये टेस्ट इसी वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये काफी ज्यादा अच्छी खबर है कि इंडियन नेवी ने एक ही सिप से दूसरे जो सिप है उसको भी कंट्रोल किया था और उसकी जो मिसाइल है उनको भी लॉन्च किया था, ये जो टेस्ट है पूरी तरीके से सफल रहा। तो अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, क्या भारत को और जो अफगानिस्तान आतंकवादियों से लड़ रहा है उसमें मदद करनी चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।